हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता। आपका फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वर्गमूल और घनमूल के बारे में, ठीक है, कि वर्गमूल और घनमूल हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि वर्गमूल और घनमूल आखिर होते क्या हैं। तो वर्गमूल जो होता है हम लोग का, वर्ग का ठीक उल्टा वर्गमूल होता है। जैसे मैं बताऊँगा आपका कि अगर 2 का स्क्वायर आप लोग पढ़ेंगे कितना होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। कहने का मतलब स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, रूट होता है। अगर हम अंडर का रूट 4 करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। कहने का मतलब 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2। तो वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, रूट होता है, मतलब वर्गमूल को हमेशा रूट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है घनमूल। घनमूल क्या होता है, हूबहू वर्गमूल की तरह ही उसका भी चिन्ह होता है। ये क्या होता है, ऐसे होता है। मान लीजिए मैं लिखा 216, ठीक है, 216, क्लियर है। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे 3 लगता है। ठीक है, तो अगर ऐसा चिन्ह दिया रहा और 3 लिखा रहे, समझ लीजिए कि वो क्या है, घनमूल की बात कर रहा है। और ऐसा रहे तो क्या होगा, वर्गमूल की बात कर रहा है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊँगा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग लेंगे, मान लीजिए 256 मान लेते हैं हम। ठीक है, 256 इसका निकालेंगे वर्गमूल, इसका निकालेंगे हम लोग वर्गमूल, जो कि रूट के अंदर होगा। ठीक है, हमको पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा ट्रिक है। 256 लिख दीजिए आप लोग, और जो बचपन में लोग लसा सीखे हैं ना, तो सिंपल इसमें लसा की तरह डिवाइड करना है, एक को छोड़कर बाकी सबसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या होगा, 2 से कटेगा ये, क्योंकि लास्ट में क्या है, 6 है। तो 2 का विभाजिता के नियम हम लोग जानते हैं, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 वो संख्या 2 से कटने वाली है। ठीक है, 2 से कटाएंगे तो 2 के 2 अंजे 2, और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 128 रन कट गया। फिर कटाएंगे 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटाएंगे 16 दूनी 32, फिर 2 से कटाएंगे क्या होगा हमारा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे 2 दूनी का 4, क्लियर है। फिर 2 से कटा देंगे, 2 एक कम 2, लास्ट में क्या करना है आपको, 1 लाना है। ठीक है, अब निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो जितने भी 2 है ना, जितने भी 2 है सबको गुणे में लिख देना है। ठीक है, सबको क्या करना आपको, गुणे में लिख देना है। 2 गुणे में कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 2 हैं, 8 दे। 2 गुणे में 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ। अब क्या होता है, जो वर्गमूल होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि वर्ग का ठीक उल्टा होता है। तो वर्ग में क्या होता है, पावर का क्या होता है, 2 होता है, पावर का 2 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, कि 2 का पेयर बनाना है आपको। ठीक है, 2 अंक का पेयर, पेयर मतलब जोड़ा। इसमें 2 2 है, इसका 2 का मान लीजिए 1, फिर 2 2 है इसको मान लीजिए 1, ये 2 2 है इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 1, क्लियर है। अब क्या कीजिए, सबको कर दीजिए गुना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो हमारा वर्गमूल कितना होगा, हमारा आंसर होगा 16, क्लियर है। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, दूसरा लेक्चर चलते हैं हम लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। तो मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे 400 लिया, कितना लिया, 400 लिया। अगर हम 400 की बात करेंगे, इसका आप लोग वर्गमूल निकालें, तो क्या कीजिएगा आप लोग, सिंपल 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 0 है, फिर 2 से कटेगा, 112 में कटेगा, फिर 2 से कटेगा 50, फिर 2 से कटेगा 25, अब किससे कटेगा, तो आप बोलिएगा 5 से कटेगा, 5 25 25। मैंने बताया क्या, कि 2 को मिलाकर 1 करना है, कहने मतलब पेयर बनाना है।
ठीक है। तो यहाँ पे दो कितना, एक दो तीन चार बार दो है, चार बार दो है, तो कहने का मतलब इन दोनों के बराबर हम लोग एक दो ले सकते हैं और इन दोनों के बराबर एक दो ले सकते हैं। क्या होगा, दो गुने में दो होगा, कोई दिक्कत नहीं। पाँच कितना बार है, एक और दो बार है, दोनों को मिलाकर कितना बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे पाँच, ठीक है। गुने में क्या होगा, पाँच होगा, तो गुना कर देंगे, दो दूनी चार, चार पंचे बीस, हमारा वर्गमूल कितना आएगा, बीस हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग घनमूल की, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग घनमूल की, तो वर्गमूल के ठीक उल्टा क्या होता है हम लोग का, घनमूल होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, तो प्रोसेस आपका सेम वही रहेगा, ठीक है, जो वर्गमूल में निकालें, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है वो देख लेते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, 216 है, तो मैंने क्या बताया, 216 को निकालेंगे क्या, लसा, कुछ नहीं करना, 216 का निकालना है लसा। इससे कटाएंगे आप दो से, दो एक कम दो जीरो बैठेगा, दो अट्ठे 16 होगा, फिर दो से कटाएंगे, दो पंचे 10, दो चौके 8 होगा, फिर दो से कटाएंगे, दो दूनी 4, दो सत्ते 14 होगा। अब दो से नहीं कटेगा, कितने से, किससे कटेगा, अब कटेगा तीन से, तीन नवा 27, फिर किससे कटेगा, तीन से, तीन तीया 9 हो गया। फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबको मल्टीप्लाई कर लिखते हैं, क्या होता है, दो गुने में दो गुने में दो गुने में तीन गुने में तीन गुने में तीन, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हुआ। तो वर्गमूल में क्या करते थे हम लोग, पेयर बनाते थे, मतलब जोड़ा, ठीक है, दो का जोड़ा बनाते थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम लोग, आप देख रहे हैं यहाँ पे घनमूल में क्या है, तीन है, इसमें क्या करना है, प्रोसेस सेम वही है, लेकिन जोड़ा कितने का बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे तीन का पेयर बनाएंगे। अब कितने का पेयर बनाएंगे, तीन का, तो दो कितने बार है, तीन बार है, तीन बार दो है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार दो लिखेंगे, ठीक है। फिर गुणे करेंगे, नेक्स्ट टर्म थ्री कितने बार है, तो आप देख रहे हैं तीन बार है, तो एक बार लिखेंगे और दोनों कर देंगे गुना, कितना होगा, तीन दोने 6, हमारा आंसर क्या होगा, 6 हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या हम लोग का, अगला प्रश्न भी देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए अगला प्रश्न, अगला है हम लोग ले लेते हैं कितना, 512 का वर्ग घनमूल, 512 का घनमूल कितना होगा, तो प्रोसेस सेम रहेगा, क्या करेंगे हम लोग, 512 का निकालेंगे क्या, लासा, दो से कटाएंगे, दो दूनी चार, दो छक्के 12, फिर दो से कटेगा, दो एक कम दो जीरो बैठेगा, दो तीया 6 होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मिस्टेक हुए क्या हमारा, दो दूनी चार बच गया एक, दो पंचे 10, अब क्या होगा, दो छक्के 12, यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, फिर दो से दो एक कम दो, फिर दो दूनी चार और दो अट्ठे कितना होगा, 16, 128 होगा यहाँ पे, सॉरी गलती हो गई आपसे। अब क्या होगा, दो दो छक्के 12, दो चौके 8, फिर किससे कटाएंगे, दो से, दो तीया 6, दो दूनी 4, फिर किससे कटेगा हमारा, दो से कटेगा, 16 दूनी 32, फिर दो से कटेगा, 8 दूनी 16, फिर दो से कटेगा 4, फिर दो से दो दूनी 4, हमारा कट जाएगा कितना, दो बार में। आप देख रहे हैं दो कितनी बार है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बार दो है, कितनी बार है, 8 बार हमारा दो है। तो मैंने बताया 8 बार है कि 9 बार है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 बार दो है, कितने बार है, 9 बार दो है, तो तीन तीन का पेयर बनाएंगे, तीन बार यहाँ पर हुआ तो एक बार लिखेंगे, फिर तीन बार यहाँ होगा तो एक बार लिखेंगे, फिर यहाँ पे तीन बार होगा तो एक बार लिखेंगे, ठीक है। और सबको क्या कर देंगे हम लोग, आपस में कर देंगे गुना, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा दो गुने में दो गुने में दो, दो दूनी चार, चार दूनी 8, हमारा वर्गमूल घनमूल कितना निकलेगा, 8 हमारा आंसर निकलेगा, ठीक है। तो घनमूल निकालने का इससे बेस्ट तरीका और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वर्गमूल और घनमूल निकालने अच्छी तरह से आ गया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।